Very good afternoon, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for this particular subject of marketing management for your ESIC deputy director position. सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि मैंने टेलीग्राम पे देखा कि बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ गई है, बट मैं आपको बता दूं कि अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है विल बी द फर्स्ट वन टू लेट यू नो ऑन द यूट्यूब चैनल. तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे सेशन पसंद आते हैं, आपको लगता है कि कुछ आपको सीखने मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए. ठीक है, तो आज भी हमने पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, इनफैक्ट पांच बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि इन पांच क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स सीखने को मिलेंगे. तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, सो यू कैन वॉच द एंटायर वीडियो. ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं. अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड कंडीशंस दैट बायर्स नॉर्मली एक्सपेक्ट व्हेन दे बाय एनी प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज डैश. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन आपको सही से समझनी है. मतलब आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर, फीचर्स जो होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो नॉर्मली एक कस्टमर एक्सपेक्ट करता है, मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो कुछ फीचर्स आप एक्सपेक्टेशन रखते ही हैं कि यार ये फीचर्स तो होंगे ही होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, मेरा एक बेसिक नीड है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, कंफर्टेबल ट्रांसपोर्टेशन करना चाहता हूँ, तो आपकी एक बेसिक नीड क्या होगी, बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या होगी, यार ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार इंजन बेकार है, गाड़ी चली नहीं पा रही है. ठीक है, सो जो बेसिक एक्सपेक्टेशन है वो ये होगी. ठीक है, तो आपको बताना है कि किस एलिमेंट ऑफ हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर स्पेसिफिकली कौन सी लेवल ऑफ प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑप्शंस आर गिवन एज पोटेंशियल प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, या फिर बेसिक प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये हमें कंसेप्ट पढ़ना है. तो इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आना चाहिए, दैट इज लेवल्स ऑफ द प्रोडक्ट. लेवल्स ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी वेल क्लियर टू यू. ठीक है, लेवल्स ऑफ द प्रोडक्ट की क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए. ठीक है, तो मैं एक छोटा सा आपको लेवल बना के दिखाता हूँ, सो दैट यू गेट अ क्लैरिटी. एक पिरामिड सा बना लेते हैं जस्ट टू हैव अ क्लैरिटी. तो सबसे पहले क्या होता है कि आप प्रोडक्ट के अंदर क्या करते हैं, एक कोर बेनिफिट डिमांड करते हैं. तो जो सबसे नीचे वाला लेवल है, सबसे लोअर लेवल क्या है, दैट यू हैव अ कोर बेनिफिट. तो आप कोर बेनिफिट क्या मान रहे हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट द कोर बेनिफिट इज ट्रांसपोर्टेशन. बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, तो प्लीज को ध्यान से समझ लीजिए, दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल. ठीक है, तो आपके दिमाग में एक कोर बेनिफिट आया कि यार ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना है हमें लोगों के लिए. तो आपने क्या किया, आपने एक बेसिक प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया, दैट इज लेट्स से कार्स. आपने कार्स डिजाइन कर दी, दिस इज अ वेरी बेसिक प्रोडक्ट ऑफ योर फुलफिलमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर नीड, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, जब आपने कार्स डिजाइन कर ली, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज योर बेसिक प्रोडक्ट लेवल. ठीक है, अब बेसिक प्रोडक्ट के बाद क्या होता है कि आप कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशन करते हैं कि यार ये तो प्रोडक्ट के अंदर होगी होगी, जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. ठीक है, दीज आर दोज फीचर्स, दोज एट्रीब्यूट्स विच हैव टू बी देयर इन द प्रोडक्ट. अगर ये नहीं है, अगर ये अच्छे से नहीं अवेलेबल है, द कस्टमर इज नॉट गोइंग टू परचेज योर प्रोडक्ट. ठीक है, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन लेने आया, आपने उसको कार प्रोवाइड कर दी, तो यार इंजन तो होना ही चाहिए ना अच्छा, स्मूथ एंड ट्रांसफर स्मूथ, जो कि अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सके, अच्छे से मूवमेंट करा सके, अच्छे से ट्रैवल करा सके, ये तो फैसिलिटी होनी चाहिए. सो दीज आर गोइंग टू बी द थर्ड लेवल, दैट इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के बाद क्या है, कस्टमर लालची हो जाता है. कस्टमर ये उम्मीद करता है कि यार बेसिक फैसिलिटीज तो मिल गई, कुछ ऑगमेंटेड फैसिलिटी मिलनी चाहिए. वो कहते नहीं है, एक ऑगमेंटेशन होनी चाहिए, एडिशनल कुछ बेनिफिट्स हमें मिलने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इसने ये कह दिया कि सर हम आपको बेसिक फीचर्स तो दे ही रहे हैं, हम इसके साथ साथ क्या करने वाले हैं, हम इसके साथ साथ आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगे. वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू इंश्योरेंस ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट. दो मुझे पता है कि वो कॉस्ट रिकवर कर लेते हैं, बट ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या है, ओवर एंड अबव जो बेसिक फैसिलिटीज है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज योर ऑगमेंटेड लेवल ऑफ प्रोडक्ट. लास्ट लेवल क्या है, द हाइएस्ट लेवल ऑफ अ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द लेवल्स इज योर पोटेंशियल प्रोडक्ट. पोटेंशियल प्रोडक्ट का क्या मतलब है, पहली बात तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि आज वो डेवलप नहीं है, फ्यूचर में यू आर एस्टिमेटिंग, यू आर हाइपोथेसाइजिंग फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट निकल के आता है. लेट्स से कल को एक बेनिफिट निकल के आता है कि जो एग्जिस्टिंग टाटा के कस्टमर्स हैं उनको हम एक एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं. क्या, कि अब जो भी अपडेट्स आएंगी प्रोडक्ट के अंदर, लेट्स से आपकी कार के अंदर कुछ अपग्रेडेशंस आ रही हैं, वो हम एक्सेसरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लगा के देने वाले हैं. दिस इज द लास्ट एंड द हाइएस्ट लेवल ऑफ अ प्रोडक्ट, दैट इज अ पोटेंशियल प्रोडक्ट. तो अब आपको क्या पता चल गया, अब आपको लेवल्स ऑफ द प्रोडक्ट पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोर बेनिफिट, उसके बाद आप प्रोडक्ट डेवलप करेंगे जिसको एक बेसिक प्रोडक्ट कहते हैं, देन आपकी कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशन होगी रिगार्डिंग द फीचर्स, जो कि हो सकती है कि यार ये फीचर्स तो प्रेजेंट होने ही होने चाहिए. देन वी टॉक अबाउट सम एडिशनल काइंड ऑफ फीचर्स विच आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, एंड देन जो फ्यूचर में आप प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में जो प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर पोटेंशियल.
ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट लेवल में बेसिक प्रोडक्ट में सिर्फ आपको बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, ये नॉर्मली एक्सपेक्टेड नहीं है। मतलब बेसिक फैसिलिटी क्या हो गई, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का ये मतलब थोड़े ना है कि बिल्कुल ही कबाड़ बना के दे देंगे, ठीक है। कुछ बेसिक फैसिलिटीज तो देंगे ना, कि इंजन सही होना चाहिए, ठीक है, और जो कार की डिजाइनिंग है वो ठीक होनी चाहिए, ठीक है। ओवर एंड अबव जो बेनिफिट्स हैं वो आपके ऑगमेंटेड बेनिफिट्स का पार्ट बनते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू एंड आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, बिकॉज ये नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं। ओवर एंड अबव एक्सपेक्ट करेंगे तो ऑगमेंटेड हो जाएगा। फ्यूचर फीचर्स एस्टिमेट करेंगे या एक्सपेक्ट करेंगे, दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर पोटेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दोज प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स डू नॉट नो अबाउट और नॉर्मली थिंक ऑफ बाइंग आर रिफर्ड टू एज विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द फोर पीस ऑफ मार्केटिंग, दैट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वाले पी पे हम फोकस कर रहे हैं एंड द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स वाले टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको गुड्स की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए कि यार क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है। एक क्लासिफिकेशन है कन्वीनियंस गुड्स, सेकेंड है शॉपिंग गुड्स, थर्ड है स्पेशलिटी गुड्स एंड द फोर्थ वन इज अनसॉल्व गुड्स। अब आपको इन चारों का मतलब पता होना चाहिए अगर आपको इस सवाल का जवाब देना। कन्वीनियंस गुड्स क्या होते हैं, जिसको आप बहुत आराम से जाके परचेज कर लेते हैं विदाउट मच एफर्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल, अगर आप टूथपेस्ट खरीदने जा रहे हैं, क्या आप टूथपेस्ट में जाके मेहनत करते हैं? देखिए कुछ लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, बट इन जनरल टूथपेस्ट इज अ वेरी कन्वीनियंट प्रोडक्ट। आप गए, लेट से अगर आप 5 साल से पेप्सोडेंट यूज कर रहे हैं तो आप पेप्सोडेंट ही यूज करेंगे, जाके परचेज करके चले हैं, ठीक है। शॉपिंग गुड्स क्या होते हैं, जहां पे एक फेयरली अमाउंट ऑफ कंपैरिजन होता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एज वेल एज प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आप एयर कंडीशन परचेज करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे ना कि यार टाटा का सबसे अच्छा आ रहा है, ठीक है, या फिर हिटाची का सबसे अच्छा आ रहा है, या फिर एलजी का सबसे अच्छा आ रहा है एंड सो ऑन। वेयर यू गोइंग टू मेक सम काइंड ऑफ कंपेरिजन, सम काइंड ऑफ फीचर्स यू गोना लुक अपॉन इन ऑर्डर टू परचेज अ प्रोडक्ट इज नोन एज शॉपिंग गुड। स्पेशलिटी गुड्स क्या होते हैं, स्पेशलिटी गुड्स होते हैं विच आर बेसिकली यूनिक गुड्स, ठीक है। लेट से ज्वेलरी, नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस यू आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। आप ज्वेलरी लेने जाते हैं या आप शादी के लिए शेरवानी लेने जाते हैं, तो आप कितना टाइम लगाते हैं, ठीक है, बिकॉज यू वॉन्ट अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट एंड यू आर विलिंग टू पे एनी अमाउंट ऑफ प्राइस फॉर द सेम। कितना भी ज्यादा प्राइस चार्ज हो रहा हो मुझे तो पता भी नहीं है, बट ज्वेलरीज बहुत कॉस्टली आती हैं, यू आर विलिंग टू पे दैट अमाउंट, ठीक है, बिकॉज आपको यूनिक एट्रीब्यूट मिल रहा है, ठीक है। सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ स्पेशलिटी गुड्स। अनसॉल्ड गुड्स क्या होते हैं, विच अ कस्टमर इज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड, कस्टमर्स डजेंट लुक फॉरवर्ड, इसीलिए अनसॉल्ड कहा गया है। ही इज नॉट लुकिंग फॉर दोज गुड्स, वाई, बिकॉज इन गुड्स का इस्तेमाल वो सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में करता है। फॉर एग्जाम्पल, फायर एक्सटिंग्विशर, जब आग लगती है तभी आप उसका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज यू डू नॉट गो ऑन फॉर सर्चिंग फॉर इट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं मेडिसिन की, मेडिसिन ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको खाते फिरते हैं, ठीक है, या यू लुक आफ्टर इट कि यार कितने की मेडिसिन मिल रही है परचेज कर लूं। जब जरूरत होती है जाते हैं परचेज करके चले आते हैं, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ गुड्स आर नोन एज अनसॉल्ड गुड्स, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 4। आई होप यू हैव आंसर दिस क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन फॉर द डे। A state or situation where the consumer is faced with a dilemma after the purchase of the product as to whether he has purchased the right product or not. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक सिचुएशन आती है कस्टमर के साथ कि जब वो एक वो प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, उसके बाद उसके दिमाग में डिलेमा बनी हुई है, मतलब कंफ्यूजन बना हुआ है। आपने कई बार अपने पेरेंट्स को देखा होगा या फिर खुद को भी देखा होगा, खुद की कजन सिस्टर्स या किसी को भी कजन्स को देखा होगा कि जब वो एक प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं तब वो कहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट मुझे लग रहा है गलत प्रोडक्ट ले आए, दूसरा प्रोडक्ट लेके आ जाना चाहिए था, ठीक है, या दूसरा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा था, आई प्रोबेबली हैव मेड अ रॉन्ग चॉइस हियर, ठीक है। इस डिलेमा को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। इज इट अ एथिकल डिलेमा, इज इट अ कॉग्निटिव डिलेमा, इज इट अ कॉग्निटिव डेजोनेंस, और दिस इज मेंटल अकाउंटिंग। मेंटल अकाउंटिंग क्या होता है, मेंटल कैलकुलेशन करना, मेंटल मैथ्स करना कि क्या मैंने रैशनली सही डिसीजन लिया है या फिर नहीं। दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट कैलकुलेशंस डन इन द माइंडसेट, ठीक है। एथिकल डिलेमा क्या होता है, विच इज रिलेटेड टू योर एथिक्स, ठीक है, कि लेट से आपके दिमाग में एक ऐसा डिलेमा आ गया है कि यार अगर मैं ये काम करूंगा तो क्या ये एथिकली सही होने वाला है या फिर गलत। फॉर एग्जाम्पल, आपका बॉस आपको ये कहता है कि यार गलत प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है, बट इसको कस्टमर को दे दो, ठीक है, आप क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो हमारा नुकसान होगा, ठीक है, अगर दे देंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो हमारे लिए नेगेटिव फीडबैक डाल देगा, बट मॉनेटरी वाइज तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा ना। सो यहाँ पे आप एक एथिकल डिलेमा फेस कर रहे हैं कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कॉग्निटिव डिलेमा जैसा कुछ भी नहीं होता, बेसिक मतलब क्या है, कॉग्निटिव आपकी अंडरस्टैंडिंग पे होता है, डिलेमा मतलब अंडरस्टैंडिंग को लेके आपको डिलेमा है या फिर आपको कंफ्यूजन। सो इट्स अ वेरी जेनरिक टर्म, ये भी आंसर नहीं हो सकता।
कॉग्निटिव डेजोनेंस इज अ फिनोमिना, इज अ सिचुएशन, इज अ स्टेट जहां पे आप कहते हैं कि यार कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीद लिया, अब इसको कंफ्यूजन हो रही है, अब इसको डिलेमा हो रहा है. तो कॉग्निटिव डेजोनेंस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में कई बार पूछा गया ये ऑन द टॉपिक ऑफ कॉग्निटिव डेजोनेंस. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. विच ऑफ द बिलो मेंशन पैरामीटर इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन. नाउ दिस टॉपिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कौन से टॉपिक से लिया गया है? द टॉपिक हैज बीन चोजन एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. मतलब प्रोडक्ट को आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब है कि आपको अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाना है इन एनी फॉर्म, सो दैट द कस्टमर्स कैन लुक अपॉन कि यार ये प्रोडक्ट अलग है, इसको परचेज कर लेते हैं. ठीक है, ये एक यूनिक फीचर देता है, ये हमें एक एडेड एडवांटेज देता है, इस प्रोडक्ट को हमें परचेज कर लेना चाहिए. ठीक है, क्या क्या पैरामीटर्स गिवन है? ड्यूरेबिलिटी. आप कहते हैं कि यार मेरी जो गाड़ी है ये 15 साल तक चलेगी, हम 15 साल की गारंटी ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर गाड़ी में कोई भी दिक्कत आई तो आप गाड़ी आके वापस कर देंगे. दिस इज द ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट एंड दिस इज एन एलिमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन. रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? कि आप इस गाड़ी पे आंख बंद करके रिलाई कर सकते हैं कि ये खराब नहीं होगी. इट इज नॉट गोइंग टू गेट इन टू वट यू से इन टर्म्स ऑफ वेयर एंड टेयर. आप आंख बंद करके इस प्रोडक्ट के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, ये आपको अच्छा सर्विस देगी. तो ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब है? कितना चलेगी. रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? कि ये नुकसान नहीं कराएगी या फिर ये खराब नहीं होगी. ठीक है, सो दैट इज व्हाट रिलायबिलिटी इज ऑल अबाउट. इट्स गोइंग टू बी रिलायबल, इट्स गोइंग टू बी ट्रस्टवर्दी. ड्यूरेबिलिटी जो है वो उसकी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है कि यार बॉडी में जंग नहीं लगे. ठीक है, रिलायबिलिटी मतलब वर्किंग कंडीशन. रिलायबिलिटी को आपको वर्किंग कंडीशन के टर्म्स में देखना है, जिसको भी लेके कई बार कंपनीज अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती है. परफॉर्मेंस क्वालिटी, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी इन टर्म्स ऑफ यूजिंग इट. अब आप किसी भी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, बट परफॉर्मेंस में तो लोग बैक करते ही करते हैं कि यार हमारे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस एक्स वाई जेड प्रोडक्ट से बेटर है. फॉर एग्जांपल, अगर जब आपने सोप्स को देखा होगा, जब वो गंदे गंदे कपड़े धुलते हैं, तो वहां पे क्या लिखा होता है हमेशा, कि हमारा जो सोप है वो दूसरों से बेहतर धुलाई करता है और वाइट वॉश दे देता है सारे कपड़ों. ठीक है, नेक्स्ट इज द प्राइस. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एयरलाइंस में देखा हो, इंडिगो जो प्राइसेस ऑफर करती है दैट इज मेंट फॉर योर मिडिल क्लास पीपल. तो वो उस पर बार्गेन करती है कि हमारा जो प्राइस है वो सबसे चीप भी है और सबसे बेस्ट भी है. मतलब हम प्राइस के टर्म्स में सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये चारों के चारों जो फैक्टर हैं ये डिफरेंशिएशन का पार्ट हो सकते हैं, एंड देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी नन ऑफ द अबव. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बट यू विल ओनली नो इफ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रेजर्स एंड कैमरास. रेजर्स जिससे आप शेविंग करते हैं, शेविंग किट यूज करते हैं, कैमरास ऑफन प्राइस देम लो. मतलब इन दोनों के जो प्राइसेस हैं ये कम रखे जाते हैं. एंड सेट हाई द मार्कअप्स ऑन रेजर ब्लेड्स एंड फिल्म. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. मतलब जनरली क्या किया जाता है कि जो ओरिजिनल रेजर आपने खरीदा हुआ, लेट से आप जिलेट का रेजर परचेज करने जाते हैं या फिर कैमरा परचेज करने जाते हैं, तो वो कंपैरेटिवली, मैं यहाँ पे कंपैरिजन के बारे में बात कर रहा हूँ, उनका प्राइस वन शॉट कम रखा जाता है. बट जो रेजर ब्लेड्स होती हैं या जो आप फिल्म परचेज करने जाते हैं उसका प्राइस ज्यादा होता है कंपैरेटिवली. फॉर एग्जांपल, मुझे एक पेन का एग्जांपल याद आ रहा है, टाइमेक्स पेन. अगर आपको याद हो बहुत ही फेमस पेन था, व्हेन आई वाज इन माय स्कूल आई यूज्ड टू लव दैट पेन, बट समहाउ हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट लेट्स से वो पेन 60 रुपीज का आता था, और जब आप उस पेन की सिर्फ रिफिल खरीदने जाते थे, देन द रिफिल वाज अराउंड आई थिंक 40-45 रुपीज की उसकी रिफिल आती थी. अब तो पता नहीं, शायद और महंगी आती है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पूरी इंटायरली बॉडी है वो सस्ती है, बट 40-45 रुपीज की सिर्फ रिफिल है. तो सेम इज द एग्जांपल, सेम इज द केस हियर इन टर्म्स ऑफ रेजर ब्लेड्स एंड फिल्म. तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये कौन सी टाइप की प्राइसिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज करी जा रही है? इज इट अ कैप्टिव प्राइसिंग, इज इट अ गोइंग रेट प्राइसिंग, इज इट अ स्किमिंग प्राइसिंग, और इज इट अ पेनिट्रेशन प्राइसिंग. मैं आपको बता दूं, जो प्राइसिंग का टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट पेपर सेटर्स का फेवरेट है, बिकॉज प्राइसिंग में बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, तो जल्दी से इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए, तब तक मैं आपको चारों टर्म्स बहुत सिंपलीफाई करके समझा देता हूँ. पेनिट्रेशन प्राइसिंग का क्या मतलब है? यू वॉन्ट टू पेनिट्रेट द मार्केट. आप मार्केट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी भी मार्केट में घुसने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्राइजेस को कम रखना पड़ता है, लोअर रखना पड़ता है. बिकॉज जितना ज्यादा आप प्राइसेस लो करेंगे उतने ज्यादा कस्टमर्स को रीच आउट कर पाएंगे. खुद सोचिए, आप 12 रुपए का पेन दे रहे हैं, उसकी जगह आप 5 रुपए का पेन देंगे तो ज्यादा कस्टमर्स खरीद पाएंगे ना. सो दैट इज व्हाट पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज ऑल अबाउट. स्किमिंग प्राइसिंग का क्या मतलब होता है? स्किम द मार्केट. स्किम द मार्केट मतलब भाई अभी मार्केट की सिचुएशन अच्छी है, लेट्स अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट. फॉर एग्जाम्पल, जब
कंपनी कोई नया प्रोडक्ट निकालती है और उस टाइम पे कोई भी सब्सिट्यूट नहीं अवेलेबल, लेट से इस समय कोई कंपनी एक्स वाई जेड ठीक है इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाल दे, काफी सारी कंपनी ने निकाल भी दिया है ठीक है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल निकालती है तो क्या करेगी, अगर इस समय सब्सिट्यूट नहीं अवेलेबल है इट इज गोइंग टू कीप द प्राइसेस वेरी वेरी हाई, काफी ज्यादा वो प्राइस रख देगी अपने इस प्रोडक्ट का, बिकॉज उसको पता है कि यार लोगों को तो चाहिए, लोग रखेंगे। सेम इज द केस विद कोविड वैक्सीन, जब इनिशियली कोविड वैक्सीन आई थी तो बहुत महंगी बिक रही थी, विद टाइम उसका प्राइस कम होता गया और अब देखिए 600-650 में इनफैक्ट सरकार उसको फ्री में देने लग गई ठीक है। सो दैट इज एग्जैक्टली वॉट हैपन्स इन टर्म्स ऑफ स्कीमिंग प्राइस, मार्केट की सिचुएशन अच्छी है, फेवरेबल है, प्राइस ज्यादा रख लो और प्रॉफिट कमा लो ठीक है। गोइंग रेट प्राइसिंग क्या होता है कि यार मार्केट स्टैंडर्ड्स को देखना है, कॉम्पिटिटर को देखना है, इन केस ऑफ अ वेरी सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हमें अपने कॉम्पिटिटर को देखना है, जैसा हमारा कॉम्पिटिटर प्राइस रख रहा है उसी के आसपास रखना है, अगर हम बहुत ज्यादा रखेंगे तो हम मार्केट लूज आउट कर जाएंगे, बहुत कम प्राइस रखेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, जो मार्केट में स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, हमें वही प्राइस रखना है और वही प्राइस कस्टमर्स के साथ चार्ज करना है ठीक है। कैप्टिव प्राइसिंग इज अ सिचुएशन जहां पे जो मेन प्रोडक्ट होता है, ध्यान से समझ लीजिए, जो मेन प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस कंपैरेटिवली कम रखा जाता है, वेरियस जो उसका वेरिएबल प्रोडक्ट होता है, वेरिएबल प्रोडक्ट में क्यों कह रहा हूं, बिकॉज देखिए एक बार आपने रेजर परचेज कर लिया तो आप रेजर तो बार बार नहीं बदलेंगे बट ब्लेड आप बार बार यूज करते रहेंगे, तो जो चीज वेरिएबल है वो उसका प्राइस ज्यादा रख देते हैं और जो मेन बॉडी है या जो फिक्स पार्ट है उसका प्राइस वो कंपैरेटिवली कम रखते हैं। दैट इज द होल आइडिया ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, ताकि आप बार बार ब्लेड्स खरीदेंगे, बार बार आप फिल्म खरीदेंगे, बार बार आप रिफिल खरीदेंगे एंड यू आर गोइंग टू पे प्राइस जहां से उनका प्रॉफिट निकल गया ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी वन कैप्टिव ठीक है। तो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मार्केटिंग के वो धीरे धीरे करके आपको सारे के सारे लाइव सेशन में कवर करा दूँ, और अगर आप इन सेशंस को ध्यान से देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं तो आप फ्री में सारी की सारी अपनी तैयारी कर सकते हैं ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, आपको मेरे सेशन पसंद आते हैं मार्केटिंग के, तो आप anujindal.in पे जा सकते हैं और आप ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर के कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं ठीक है। दैट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Now we are going to meet on next Saturday at 2 p.m. sharp. Till then, keep practicing and keep working. Bye-bye.